कश्मीर से हैं। या हम नाम आपका? मेरा नाम अहमद इकबाल है। आपने बिल पढ़े हैं तीनों? हाँ, तीनों बिल पढ़े हैं। देखो आपके आम कांग्रेस सरकार जब यहाँ पर चलती थी इंडिया में, हमें कोई खतरा नहीं था कश्मीर वालों को। हम इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में, रहने में, किसी इंडिया के कोने में जाते थे, कांग्रेस सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये बीजेपी यहाँ आ चुकी है तो हम किसी कोने में जाते हैं कश्मीर वाले, हमें अखरवादी का अकरार दिया जाता है, ये मिलिटेंट हैं, हमें हर जगह पकड़ा जाए। आपको बिलों से दिक्कत है या सरकार से दिक्कत है? हमें सरकार से दिक्कत है, जो मोदी सरकार है इससे हमें बहुत दिक्कत है। हम कहीं खुल के जा नहीं सकते। देखो ये अंदर सरकार, ये कितने लोग बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं। और कम से कम आप देखो एक महीने से क्रास हो चुका है, ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है मेरे भाई। हम इतनी दूर, हम भी कश्मीर से अभी आ रहे हैं। अभी देखो लॉकडाउन में 376 A37 भी इन्होंने तोड़ दिया, उसमें भी देखो एक एक घर पे, कश्मीर के एक एक मकान के दरवाजे के ऊपर एक एक पुलिस वाला खड़ा है। खुल के हम दुकान पे भी नहीं जा सकते, कुछ लोग भूखे भी मर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? लेकिन मोदी जी तो ये बोलते हैं कि मेरे शासनकाल में कश्मीर में, वहाँ जहाँ भी हो, आप प्रोटेक्शन बढ़ी है, आप आसानी से जी सकते हैं, रह सकते हैं। आप कुछ और बता रहे हो, ये कहने की बात है उसकी। जितनी हमारे पे हालत खराब है कश्मीर के अंदर, इतनी कहीं भी नहीं है। हमारी खुल के औरतें बाजार में नहीं जा सकती, हम खुल के लम्बे बाल भी नहीं रख सकते। हमको बोलते हैं ये मिलिटेंट हैं, ये गुर्दवादी, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम क्या करें, कैसे जिएंगे? देखो भाई सीधी सी बात है, सारे धर्म एक जैसे हैं, ठीक है, चाहे वो सारे कोई भी हो, हम सारे भाई भाई हैं, हर एक किसी को एक ही तकड़ी में तोलना चाहिए। ये इन्होंने यूके में भी एक बार किया था कि स्पेन वो दो जातियाँ थी, दोनों में इन्होंने मारकाट करवा दी थी इधर बाहर की कंट्री में, यूके में। तो वो आज बेल्ट पेपर पे वोटे पड़े ना, तो एक भी सीट भाजपा वाले नहीं जा सकते। यूएसए में बेल्ट पेपर, तो ईवीएम मशीन वो सारे हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए, एक भी सीट नहीं ये जा सके, मैं दावे से कहता हूँ। ये मोहन भागवत और आरएसएस के पीछे लगा हुआ ना, तो ये इसको डुबो देगा, खत्म कर देगा। अब ये जो किसान बोल रहे हैं, एक भी सीट नहीं जा सकता, किसान बोल रहे हैं कि अगर हमारी मांगे ना मांगी गई तो हम जो बाहर अंतर्राष्ट्रीय है उनको आगाह करेंगे कि वो हमारी। 27 तारीख को यूएनओ को लेटर जाएगी, 27 तारीख को यूएनओ को लेटर जाएगी, जो पूरी पूरे दुनिया की 5 जो बड़ी शक्तियां उनको लेटर जाएगी। बाकी उन तक बात पहुंच चुकी है, सब पर बात पहुंच चुकी है कि, और वो भी यूएसए के भी जो प्रेसिडेंट है वो भी समर्थन में है किसानों के। तो उससे कहीं ना कहीं अपने देश की इमेज खराब नहीं हो रही बाहर? देश की तो इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही है जी। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है वो हमारे देश की क्या इज्जत करेगा? आप मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात, तेरे को क्या जरूरत थी ट्रंप को बोलने की? अब की बात ट्रंप की सरकार, जब सारी स्टेटों में, जब तक आप प्रेसिडेंट हो, ब्रिटेन के हो, किसी के भी हो, आपको बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि आपने सबसे काम लेना है। ये बंदा जाके कह रहा है कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तेरे बोलने से आ जाएगी क्या सरकार? तो ये जो है ना, इसने उनके सामने नीचे गिर गए। अब आप खड़े हो रहे हो, आपके सामने आप न्यूट्रल खड़े हो गए ना, इस बंदे ने अपनी वैल्यू गिरा ली। अमेरिका नहीं जा सकता भाऊ जी, वैसे भी वो उसकी मनमोहन सिंह जी को लेटर भेजी है, उन्होंने डिनर पे मनमोहन सिंह जी को बुलाया है, एक्स प्रेसिडेंट इन्होंने, जो प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए में। बताइए तो इतना सब होने पर भी बहुमत से कैसे जीत जाते हैं? ना हर बार गड़बड़ होती है, अगर आप पेपर पे वोटे करवाओगे ना, लिख के लिखवा लो, कभी भी मोदी सरकार नहीं आएगी, कभी भी नहीं आने वाली, बिहार में नहीं आने वाली, किसी में भी नहीं आएगी, बिहार में भी नहीं आनी थी। ये तो वो सारे हैरान हो गए, आपको पता है कि आपकी इतनी वोटे, बंदे को पता चल जाता है कि ये संदेश नहीं है, ये हम मोदी को बताना चाहते हैं कि उसने अगर कानून बनाए ना, हम इतिहास बना के जाएंगे, जब तक वो काले कानून वापस नहीं लेगा ना, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये पढ़ के सुना दो एक बार हिंदी में। ये साहब में लिखा हुआ है, सरकार ने तो कानून लिखे पुत्र, हम लोग इतिहास लिख के जाएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे ना, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे 2 महीने लगे या 3 महीने। सरकार बोल रही है कि बिहार में पहले ही कानून बन चुके हैं 2006 में, वहाँ बने हो गए, पर हमारे किसानों को मजदूर नहीं है, वो फ्लॉप हो चुके हैं, वो बेचारों की चावल, जिन्ने भी किसान इतने बॉर्डर से बैठे है, मोदी सरकार ने जा तोमर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने कहा भाई आतंकवादी है जाए खालिस्तानी है, ये सानू जवाब देने। पार्लीमेंट के अंदर 48% लोग है जो चुने हुए हैं, क्राइम है इन्होंने पर, किसी पर बलात्कार के केस, किसी पर जमीन के केस, किसी पर कपड़े के केस, ये आप है दूजे जो कह रहे हैं सारा कुछ, साढ़े आंदोलन में तारों भीट करने वाते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सही तरीके एक दो गल है, गुरुद्वारे भी गए हैं, ये
एनजीओ नु भी संबोधन किया इन्होंने, इन्हों बार्डर से बैठे लोग नहीं दिते देखे इन्होंने किसानों आके कोई गलबात की जा सके। अज इन्होंने पाकिस्तान के बार्डर की गल करनी छड़ दी, अज इन्होंने देश के अंदर ही बार्डर बना के रख दी है। आने वाले समय के लग तोड़वा जवाब दवाओगे और इन्होंने चक है इन्होंने पार्लीमेंट से बाहर बार आगे। मोदी सरकार ये याद रख, सरकार ये बोल रही कि यहाँ जो फंडिंग आ रही हो बाहर से आ रही है, ये बताएं ये पैसा कहाँ से लेते हैं आप, बताएं सरकार का खजाना लूट रहे हैं। जब पंजाब में सिखों ने लंगर लगाए थे कोरोना महामारी के, वहाँ फंडिंग कहाँ से आती थी, उदो फंडिंग कितों आते थे, अपने घर उन्होंने वेच के अपने घरों ला के लोगों ने लंगर खवाया, मौत की भी परवाह इन्होंने की थी। हाँ जी कोरोना दे ये सब इनके बकवास है, ये सब बकवास करते हैं साले। कोरोना के दौरान इन्हें जथेबंदियां नहीं सारा जिन्हें सारे हिंदुस्तान के अंदर लंगर बताया उस वेले ने इन्होंने देखा उस वेले सिफत करते थे, अच्छ इस पैसे में फंडिंग दस रहे हैं। आप दसन चार चार पांच पांच लाख लोगों के पेंशन लेंगे है, आप दसने पैसा जिहड़ा खजाना किस तरह काला धन कितने गया है, काला धन कितने गया, ये उनसे सवाल करो ना भी काला धन कहाँ गया, वो जो रेलवे बेच रहा है। ये लोग बोलते हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर वाले जो प्रेसिडेंट है वो खुद सिखों का कर रहे हैं कि हाँ सिख कौम ने करा है। आप कभी भी कहीं पे भी चेक कर लो, कहीं पे भी कुछ भी होता है ना, सिख कौम सबसे पहले जाके खड़ी होती है। 84% सिखों की शहीदियां है आजादी में, 84% सिखों ने अपने, तो ये खालिस्तान हो सकते हैं आतंकवाद जो देश को, जिन्होंने देश को बचाया है, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनो तो होती सब की।